गाइस, इंट्रो अच्छा लगा? स्टे ट्यून फॉर द रेस्ट ऑफ द वीडियो, क्योंकि वीडियो और भी अच्छी है, क्योंकि आज हम जाने वाले एडवेंचर आइलैंड। चलो उधर पे सबका वेट करने के बाद हम सारे फ्रेंड्स निकल चुके हैं एडवेंचर आइलैंड की तरफ, जो कि सिर्फ रिठाला मेट्रो स्टेशन से 10 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। अरे व्लॉग बन रहा है, अरे व्लॉग बन रहा है माधव। हाय कर, ये वही है। भाई रास्ते में मत करो यार, तुम हरकतें। एक है थंबनेल में जाएगा। मैं भी थंबनेल में हूँ। गाइस, तो अब हम पहुंच चुके हैं एडवेंचर आइलैंड। खुशी तो आप इनके चेहरों पे देख ही सकते हैं, इतनी फेक खुशी। खंबा आ रहा है बीच में, बट ठीक है। शुभम की ब्रा रिवील हो गई। देख, थंबनेल ही चेंज कर दो, ब्रा रिवील। हाथ क्या डाल रहा है? दिखा दे भाई, दिखा दे। कुश्ती लड़ रहे, गुत्तम गुत्ती बढ़ गई। वो ये क्या पकड़ लिया? सबकी आंखें खड़ी हुई है। अबे नहीं, अंडरवेयर नहीं है, ब्रा रिवील है। सुन, हॉट पिंक है कि बेबी पिंक? हाँ, ये तो मैंने भी देखा जरा सा। सबसे पहले कैमरा में पाउडर पिंक। अच्छा, ये था बेबी पिंक। दिखाइयो। अच्छा, अच्छी है क्या? अच्छा, छोटू सी कार। तो ये सारी मस्ती के बाद हम चले गए टिकट्स खरीदने के लिए। ट्यूजडे ऑफर था तो हमें मिले 350 की टिकट्स। ये गॉट टिकट। ये बंदे भी थे, चार बंदे टिकट पे नहीं हो गए जा। फरान और चतुर नाम है ना? पीछे देखो। वाव, नाइस एस। पीछे देख। अभिषेक,
अभिषेक पीछे देखो, पीछे देखो, तू फोटो। आपको भी अपना बचपन जीना है? कभी तुम आप एरोप्लेन में नहीं बैठे? क्या आप बैठे एरोप्लेन में? हमें तुम आगे भालो बाशी। थैंक यू सो मच। एंट्री करते ही हमारी नजर पड़ी रॉकिंग तक पे। ये बहुत इजी लग रहा था, इसलिए सोचा कि पहले इजी से स्टार्ट करते हैं। इसमें ज्यादा डर भी नहीं लगेगा और स्टार्टिंग के लिए बेटर है। ओके, तो फिर हम इसके बाद गए साइक्लोन की तरफ। साइक्लोन भी बहुत इजी है, इसमें भी उतना ज्यादा डर नहीं लगता। और ये सेकंड राइड थी जो हमने करी। बट द मेन वॉर्म वॉज स्काई विंटर। स्काई विंटर सारी राइड्स में से सबसे बेस्ट राइड है, क्योंकि इसमें स्पीड और थ्रिल्स नेक्स्ट लेवल के हैं। और इसमें जाने के लिए भीड़ भी बहुत ज्यादा लगती है, तो उसके बाद भी ये राइड हमने दो बार झूली है। तो हमारी नेक्स्ट राइड थी मूस राइडर। मूस राइडर दिखने में बहुत ही इजी लगती है, बट जब आप इसे एक्सपीरियंस करते हो तो हार्ट फेल भी हो जाता है। मेरी चीख भी नहीं निकल पा रही थी प्रॉपरली, बट हमारी गाड़ी जिप्सी गाड़ी है, महिंद्रा थार। महिंद्रा थार है ये, बैंक ही बस यहीं पे आई है, इसके बाद आई नहीं है। हाँ तो मैं एक चीज और, वो देखो बंदर, वो देखो राइनो की, वो रही देखो, वो देखो ये क्या कर रहे हैं, ये देखो उसके मुंह में कुछ है, सारे हॉर्न रखे हैं और कुछ नहीं। अंकल दिल खत्म कर दिया सर तुमने? अंकल भूल गया मैं। तो ये मिनी रेल गाड़ी आपको टूर देती है पूरे अम्यूजमेंट पार्क का, कि कहाँ कहाँ कौन कौन से झूले। पर धूप में इतना घूमने के बाद हम सबकी तो जान सूख गई थी, तो हमने डिसाइड किया कि हम इसके बाद जाएंगे वाटर पार्क। बट उससे पहले वी डिसाइडेड कि हम कुछ और राइड्स और एंजॉय करेंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एक बार गीले हो गए तो आप बाकी राइड्स एंजॉय नहीं कर पाओगे जब तक आप सूख नहीं जाते। इन सब के बाद हम गए अपनी नेक्स्ट राइड जॉल्टर पे, जो कि काफी वायरल है इंस्टाग्राम पे। तो हमने सोचा
नेक्स्ट राइड थी ऑक्टोपस। ऑक्टोपस भी ठीक ही है, इस पे स्काई राइडर जितना मजा तो नहीं आया, बट इट वॉज फन। फाइनली सारी राइड्स खत्म करने के बाद हमारी पूल पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी। हमने एक हाफ की टिकट ली, हमें बहुत मजा आया, हमें इतना मजा आया कि हमने नेक्स्ट घंटे की भी टिकट ले ली। पानी की वजह से ज्यादा कुछ शूट नहीं हो पाया इसके बाद, क्योंकि जान भी नहीं बची थी। आफ्टर पूल पार्टी वाली शक्लें, हम सबके हाथ पैर बहुत बुरी तरीके से सूज चुके थे क्योंकि हम 2 घंटे पानी में रहे थे, और अब टाइम था अपने आप को अच्छी तरीके से सुखा लेने का। सो व्हाट बेटर देन अ स्काई राइडर। स्काई राइडर पे आप रिलैक्स भी हो जाओगे और सूख भी जाओगे। फाइनली हमारा आज का दिन खत्म हुआ विद दिस ब्यूटीफुल सनसेट। ना घूमने के बाद हम सब बहुत बुरी तरीके से थक चुके थे, बट फाइनली कहीं पे खुश भी थे क्योंकि हमारा फाइनली एक इंस्टेंट प्लान जो हम सब ने साथ में मिलके बनाया था वो पूरा हो चुका था, और हमारा कोई भी ऐसा फ्रेंड नहीं था जो आया नहीं था, बस इसी बात की खुशी थी। ओके, तो अगर आपने यहाँ तक मेरी पूरी वीडियो देख ली है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।